ये है लोटस के फूलों के लिए, जो अपने कमल के फूल होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है ये। ये लगा हुआ है फ्रूट सा, और भाई ये पता नहीं कैसा है, काफ़ी अच्छी लेक है। चंदन वाइट, ये देखो भाई चंदन के पेड़ हैं ये जो लगे हुए हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गाइज सर्दी बहुत है यार, अभी बाइक चला के आया हूँ, ठंड लग रही है। तो गाइज आज मैं आया हूँ बोटैनिकल गार्डन चंडीगढ़, और ये पड़ता है अपना मध्य मार्ग पे एंड में जाके, जहाँ से हम मुड़ते हैं कुराली को, तो जो रोड है कुराली वाला उसी पे आपको ये मिल जाएगा। और मैं अभी खड़ा हूँ पार्किंग के अंदर, जो आप ये देख पा रहे हैं ये पूरा पार्किंग एरिया है, और यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ ईवी चार्जर स्टेशन, ये देखिए काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर किसी को अपनी इलेक्ट्रिक बाइक या कार चार्ज करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर सकते हो यहाँ पे आके। और गाइज अभी खड़ा हूँ पार्किंग में, अभी चलते हैं अंदर, और अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या देखने को है और ये गार्डन कैसा है। ये है इसका मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ये गमले हैं, और इनको लगाया गया है बड़े ही डिज़ाइन से, और उस साइड भी है ये। अभी करते हैं अंदर एंट्री और दिखाता हूँ आपको अंदर जाके क्या कुछ है भाई। और ये भाई मैप है इस पूरे गार्डन का, और ये गार्डन भाई बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा गार्डन है ये, और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है। तो ये देखो भाई चंडीगढ़ बोटैनिकल गार्डन एंड नेचर पार्क, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल जे एफ आर जैकोब, गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़, 13th of May 2002। और जो सामने आपको दिख रही है बिल्डिंग, वो इनका एडमिन ब्लॉक है। कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ पूछना है, तो ये ब्लॉक है एडमिन, यहाँ पे आके आप पूछ सकते हो। ये देखो भाई यहाँ पे बनाई है बटरफ्लाई, और ये लोहे की है, और ये स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा बना रखा है यहाँ पे। और इसके अंदर देखो ये कितने अच्छे लगे हुए हैं, और ये देखो भाई, और ये यहाँ का है भाई बोनसाई वर्ल्ड, और देखते हैं अंदर क्या कुछ है। और जैसे ही आप एंट्री करते हो भाई यहाँ पे ये देखो भाई बोनसाई वर्ल्ड, इसका नाम भी लिखा हुआ है येलो ऑर्किड ट्री, और इसकी एज देखो कितनी है, ये देखो भाई बड़े प्यारे प्यारे बोनसाई हैं यहाँ पे। जितने भी ये ट्री लगे हुए हैं ना सारे बोनसाई हैं, और इसकी एज देख लो अप्रोक्सीमेट ये 44 से 46 साल का है ये, और इसका नाम है इंडियन लॉरेल फिग, ये देखो भाई। और यहाँ पे ये देखो ब्रिज छोटा सा लकड़ी का कितना प्यारा बना हुआ है, ये देखो भाई। गाइस बहुत बढ़िया गार्डन है यार, आओ कभी घूमने यहाँ पे, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। और ये लिखा हुआ है इंडियन लॉरेल, जितने भी आप ये पेड़ देख पा रहे हो ना ये वो आगे लगे हुए हैं, वो सारे यही पेड़ हैं। जो लोग ना भाई नेचर से करते हैं प्यार, जिन्हें हरियाली देखनी है, पेड़ पौधे देखने हैं, बहुत अच्छी लोकेशन आई है, और सैर करने के लिए घूमने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है। आप आओ, आपको आओगे तो चलेगा पता क्या कुछ है यहाँ पे देखने को, क्योंकि ये गार्डन बहुत बड़ा है, वीडियो में कवर नहीं होगा,
आपको आना पड़ेगा घूमने के लिए यहाँ पे चंडीगढ़ में। मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है ये, जहाँ तक आप देख पा रहे हो ये सारा एरिया गार्डन का है एंड तक पूरा, मतलब बहुत बड़ा गार्डन है यार। देखो लोगों ने ना यहाँ पे पेंटिंग्स कर रखी हैं, अपने नाम लिखे हुए हैं। घूमने फिरने आओ यार, इंजॉय करो, पर प्लीज़ यार रिक्वेस्ट ऐसा मत करो यार, क्योंकि ये चीज़ें यार बार बार नहीं बनती ऐसे। देखो मत करो ख़राब यार ऐसे। और गाइस ये जो एरिया है ना भाई, ये है लोटस के फूलों के लिए, जो अपने कमल के फूल होते हैं, पर यहाँ पे अभी कोई फूल है नहीं देखने को, खाली है, पत्तियाँ पत्तियाँ सी पड़ी हैं यहाँ पे सिर्फ, और कुछ नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि जो लोटस के फूल हैं वो कौन से मंथ में होते हैं और सीजन कौन सा है उनका, पर अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, और पानी भाई काफ़ी है यहाँ पे, तो चलना ध्यान से। और देखो लोगों ने यहाँ पे खा खा के रैपर्स डाले हुए हैं चिप्स वगैरह के, ये भी गलत बात है। ये देखो भाई चंदन वाटिका, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे चंदन वाइट, और इसका साइंटिफिक नेम है सेंटालम एल्बम। ये देखो भाई चंदन के पेड़ हैं ये जो लगे हुए हैं, और ये वाइट चंदन है, मैंने कभी नहीं देखा। ये देखो भाई चंदन के पेड़, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो कुछ वहाँ पे सामने लगे हैं, वो भी काफ़ी बड़े हैं, और आई थिंक वो भी चंदन के भाई। यहाँ पे लेक है छोटी सी गार्डन के अंदर ही, वो देखिए वहाँ से स्टार्ट है, और वो देखिए वहाँ तक गई है, काफ़ी अच्छी लेक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखनी है तो आपको यहाँ पे लेक भी देखने को मिल जाएगी भाई। और ये देखो भाई पालमेटम पाइंटम, कहने का मतलब ये है यहाँ पे लगे हुए हैं पाम ट्री। हाँ देख लिए मैंने, अभी आपको दिखाता हूँ। ये ना इनके साइंटिफिक नेम है अजीबोगरीब से। ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये पता नहीं खजूर है कि क्या है, पता नहीं खजूर तो होगा नहीं, खैर लग तो भी रहा है। ये देखो इसके ऊपर ना ये लगा हुआ है फ्रूट सा, और भाई ये पता नहीं कैसा है, पता नहीं क्या है यार। ये देखो इस पे भी लगा हुआ है, काफी सारे हैं यहाँ पे बैम्बू सेटम, और यहाँ देखो ट्री जितने भी लगे हुए हैं सारे बैम्बू लगे हुए हैं यहाँ पे। इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो वो देखो यहाँ से लेके एंड तक सारे ट्रीज यहाँ बैम्बू के हैं, यानी बांस के पेड़ लगे सारे यहाँ बांस के। ये देखो आप। और गाइज ये जो एरिया है ये सारा कैक्टस का है, कैक्टस यानी कांटे। और देखो ये पूरा आगे तक और सामने तक पूरा कैक्टस एरिया है यहाँ पे। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखिए ये भी कैक्टस है, ये भी कैक्टस है, वो सामने लगे हुए हैं। अभी आपको जाके दिखाता हूँ यार, यहाँ पे ना थोड़ा रास्ता ख़राब है, ये जो एरिया है ना इसको थोड़ा अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ। ये देखो सारे कैक्टस हैं यहाँ पे, वो आगे तक। ये देखिए यहाँ पे कृष्णा वाटिका, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। ये यहाँ पे राम वाटिका, राइट साइड में राम वाटिका है और लेफ्ट पे कृष्ण वाटिका है, और काफ़ी अच्छा व्यू है भाई यहाँ का। ये देखो भाई यहाँ पे कृष्ण वाटिका, और मैं बताता हूँ यहाँ पे मतलब क्या है। ये देखिए वेलकम टू कृष्ण वाटिका द ट्री स्पीसीज ऑस्पिशियस
इन द क्रिश्चियन रिलीजन हैव बीन प्लांटेड इन दिस वाटिका, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं और जिनको लोग मानते हैं क्रिश्चियन धर्म के अंदर, वो सारे प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। और ऐसे ही यहाँ पे है एक नवग्रह वाटिका, ये देखिए नवग्रह वाटिका, और ये इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। भाई काफ़ी बड़ा गार्डन है यार। और भाई ये देखो मेडिसिनल प्लांट सेक्शन एंड वाटर बॉडी, ये जो एरिया है सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ सारे आपको मिलेंगे मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि जो दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। और ये देखिए काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो पूरा एरिया है ये सारा मेडिसिनल प्लांट्स का है। तो गाइज मोस्टली गार्डन मैंने आपको दिखा दिया है, भाई बहुत ही प्यारा गार्डन है ये, और आप भी आओ यहाँ पे घूमो फिरो, देखो इसको। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और हम यूँ ही मिलते रहेंगे आगे भी। तो अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर।